रोली एक कुछ पूछने वाली हूँ। राम का धाम इस गन्ने में ओके जस्ट कंफर्म। आई पद्मश्री कैलाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये आपने जो माहौल श्री राम के नाम की जो धुन चल रही है आपसे ही शुरुआत हुई और आप ही की जो आवाज है सबके दिलों तक पहुंचती है। राम का धाम गाना जो अनु जी ने कंपोज किया और आपने गाया है उसके बारे में जी। ये एक अचानक भगवान के सुमरन में तो हम लोग थे ही व्यस्त, लेकिन एक से एक धुने बनते हुए गाने होते हुए अचानक कैलासा में एक दिन हम अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो अनु मलिक का फ़ोन आया कि कैलाश जी हमको एक और गाना आपके साथ करना है, अर्जेंट है लेकिन और इम्पोर्टेंट है। तो अगर भगवान राम का है तो वो तो इम्पोर्टेंट तो वैसे ही होगा। जैसे उन्होंने भगवान राम का नाम लिया तो फिर हमने बोल दिया कि हाँ ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे फिर राम का धाम ये गाने का नाम है। और इसकी जो हुक लाइन है, मर्यादा की मूरत राम और पूर्ण पुरुष की सूरत राम, तो व्याकुल चिंतित मेरे हृदय के रोम रोम में राम राम, और राम 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 राम। तो ये जो राम 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 की रटन है यही इसकी हुक लाइन है, और इसी इसके पीछे फिर पूरा इतिहास चल रहा है कि कैसे भगवान राम को आज जो प्राण प्रतिष्ठा उनके मंदिर की हो रही है उसके पीछे कितना संघर्ष रहा, ये एक इसमें पूरे लेखन में बताया गया है। तो लेखन जिसने भी किया है उसने इसका वृत्तांत लिखा है कि आज भगवान के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, पूरे विश्व में उत्सव मन रहा है, पूरा जग राममय हो रहा है, दीपों से जैसे दिवाली मन रही है मेरे भारत में ये हो रहा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या रही, इसके पीछे का दुख कितना था, इसके पीछे की पीड़ा कितनी थी, इसके पीछे का संघर्ष कितना था, इस वाले पर्टिकुलर गाने में ये बताया गया है। इस गाने का नाम है राम का धाम। गाना विमोचित हो चुका है और हमारे कैलासा रिकॉर्ड्स पर ही है, और कैलासा जो हमारा यूट्यूब चैनल है कैलाश खेर उस पर वीडियो भी आया है। वीडियो पे लगभग 1 मिलियन के करीब व्यू होना चाहते हैं या तो या हो चुके हैं, वो हमारी टीम को पता है, लेकिन आप सब देख लीजिए और एंजॉय कीजिए। और ये पहली बार कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए ये कहना भी उचित नहीं कि सुनाइए औरों को भी, वह खुद ही सुन लीजिए वही बहुत है, इसके बाद तो आपसे रुका ना जाएगा सुनाए बिना। क्यों? क्योंकि ये राम का सुमिरन है। राम के नाम लिए सर 22 तारीख के सरकार डिक्लेयर कर दे हाफ डे छुट्टी भी रहेंगे, कि आप अयोध्या जाने वाले हैं, क्या कुछ मैसेज? तो पहले निमंत्रणों में परमात्मा ने हमको चयनित किया था, और जैसे ही 1.5 महीने पहले ही हमको आमंत्रण आ गया था तो चारों ओर जैसे प्रसन्नता का, मंगल का, शुभ का एक प्रवाह बहने लगा, और चारों ओर से बधाई आने लगी, चारों ओर से अभिनंदन आ रहा था। और उस वक्त से ही बहुत आप जैसे प्यारे लोग सब पूछ रहे हैं, आपको आमंत्रण मिला है, कैसा लग रहा है, आप अयोध्या जा रहे हैं, क्या आपकी अनुभूतियां हैं, क्या आपका भी एहसास है, क्या आपके भीतर चल रहा है? तो हम ये बताना चाहते हैं, पुनः पुनः कोटि कोटि नमन करता हूँ इस पावन भूमि को जिसका नाम है भारत, कोटि कोटि नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इस पूरी जनाधिक्य को जिसका नाम है भारतवासी, जो हमारे हृदय के वासी भी हैं, हमारा अंश हैं, हम तो हृदय का अंश बोलते हैं, फैंस नहीं बोलते, मेरे हृदय का अंश हैं आप। ऐ मेरे प्यारे लोगों, माना कि परिवार में भी थोड़े उदास होने वाले लोग भी हैं, थोड़े निराश होने वाले लोग भी, लेकिन जब मेरे राम का सुमिरन आता है तब उदास और निराश नहीं होना, तब तो बस प्रसन्न होना है। जैसे ही लोगों को पता लगा निमंत्रण मिला है कैलाश खेर को, तो बहुत लोग आए और उन्होंने इंटरव्यू लेने शुरू किए। अब हम क्या बताएं, अगर आपको दुनिया के सबसे बड़े उत्सव में आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, आमंत्रित होने का,
तो आपकी कैसी अनुभूति होगी? बस आज एक बहुत अच्छे चैनल वाले हमसे पूछ रहे थे कि क्या तैयारी है आपकी, तो हमने सीधा बोला हमने तो कुर्ता उर्ता सब धो लिया अपना पहले तो ऐसे ही कहते थे लोग, अब धोते लोग कम हैं, अब तो नए बनवाते हैं सब हर चीज़ में। तो यही बात है, लेकिन परमात्मा के एक दो नाम के सुमिरन वाले हमने कुछ वस्त्र बनवाए हैं और यहाँ पर जय श्री राम लिखा हुआ है, वो पहनकर हम दौड़ेंगे वहाँ। और एक तो हमने इस बार धोती भी पिताजी की याद में निकाली है, धोती भी पहनेंगे प्राण प्रतिष्ठा के समय, कुर्ता और धोती और उसके बाद अंग वस्त्रम पहनकर बैठेंगे। तो बहुत प्यारा, माँ और पिताजी की पूरी याद हमारे हृदय में रहेगी उस मोमेंट में, और माँ पिताजी परमात्मा के यहाँ से देखकर हमको मुस्का रहे होंगे, बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे और आशीर्वाद दे रहे होंगे। गुरु लोग, महात्मा लोग, देवता लोग, सब देव लोक से, मृत्यु लोक से, पृथ्वी लोक से, जड़ पाताल और तीनों लोकों से, नभ से, गगन से, पाताल से, थल से, सब जगह से आशीर्वाद बरस रहा होगा बस। और हम मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे, मेरे दाता हमें निहार रहे होंगे, हम उनके चरणों पर दृष्टि रख रहे होंगे, ऐसा वाला दृश्य हो जाएगा। अरे मैं तो राम ही राम, भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे, ऐसा हो जाएगा जैसे हे उतर रही, हे उतर रही मेरे राम की सवारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो। मेरे दाता ने अपनी हथेली जैसे कर रखी हो, भगवान आप यहीं उतार लो अपना पुष्पक विमान, आ जाओ इधर ही आए उतार लो, ये लो रे बन गया रनवे। क्या बात है, ऐसे कर। राम धाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और जय सिया राम। जय सिया राम। थैंक यू सर।